हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको क्रोसोप्टेराइजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से जो है जुड़ जाइए। ओके, सब कुछ विजिबल है, एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लियर, तो हमें सूचना दे दीजिएगा। मैं लिंक को ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। सब कुछ ठीक है, दिख रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? सब कुछ विजिबल है, क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जुड़ते जाइएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोसोप्टेराइजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस हमने पूरे डिटेल में डिस्कस करा है सबके बारे में। तो उसमें से एक जो था वो था टेलियोस्टोमी, जिसमें कि आपको उसके सब क्लासेस पढ़ के बारे में पढ़ना है कि वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, कहाँ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इसकी एफिनिटीज़ किसके किसके साथ होती है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो जैसा कि क्रोसोप्टेराइजी है, इसको एंसेस्टर माना जाता है, एम्फीबिया का एंसेस्टर माना जाता है। ठीक है, तो क्रोसोप्टेराइजी किसका सब क्लास है, एक बार थोड़ा क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि आपको पहचानने के लिए क्रोसोप्टेराइजी हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस करा था। तो टेलियोस्टोमी हम लोगों ने पढ़ा था। टेलियोस्टोमी का जो सब क्लास है, दैट इज दो सब क्लास में ये डिवाइड होता है, एक होता है क्रोसोप्टेराइजी, दूसरा होता है एक्टिनोप्टेराइजी। तो जो क्रोसोप्टेराइजी होता है दैट इज लोब फिन फिशेस, यानी कि जो इसकी इसका जो फिन होता है दैट इज लोब लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं इस तरह से अगर फिश का मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो देयर फिन्स आर लाइक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसका फिन का होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ऐसे फिन्स को क्या बोलते हैं, लोब फिन्स बोलते हैं, जो कि क्रोसोप्टेराइजी से बिलोंग करता है। और एक्टिनोप्टेराइजी को जो है रे फिन फिशेस कहा जाता है, बिकॉज देयर फिन्स आर लाइक अ रे, इसलिए इसको रे फिन फिशेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्रोसोप्टेराइजी के बारे में पढ़ना है, तो क्रोसोप्टेराइजी को ही लेके चलेंगे। क्रोसोप्टेराइजी का फर्दर दो ऑर्डर होता है, दैट इज ऑस्टियोलिपी फॉर्मीज एंड सीलाकेंथीज फॉर्मी, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऑस्टियोलिपी फॉर्मीज जो होता है इसको और भी दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रिपी डिस्टिया के नाम से भी जानते हैं एंड सीलाकेंथी फॉर्मी को एक्टिनिस्टिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये था कुछ आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए, पुराना जो याददाश्त है उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, तो बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा था, थोड़ा सा बैक से चीज़ें करना ज़रूरी है, बिकॉज कहाँ चल रहे हैं हम ये थोड़ा पता चल रहा है आप लोग को। तो क्रोसोप्टेराइजी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करेंगे तो इसकी इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से हुई, कहाँ तक पहुँची और कहाँ से ये क्रोसोप्टेराइजी जो है वो आया, ये इन सब के बारे में। तो क्रोसोप्टेराइजी जो है उसका अभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑर्डर है, एक है ऑस्टियोलिपिफॉर्मीज एंड एक है सीलाकेंथीफॉर्मीज। तो जो ऑस्टियोलिपिफॉर्मीज है ये एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो गया है, ये प्रेजेंट टाइम में नहीं पाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो क्रोसोप्टेराइजी का जो प्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, वो कौन है, सीलाकेंथीफॉर्मीज, जिसको कि लेटिमेरिया के नाम से प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है। तो ये सीलाकेंथीफॉर्मीज ऑर्डर का जो क्रोसोप्टेराइजी है वो प्रेजेंट टाइम में पाया जाता है। तो हम लोग जो प्रेजेंट में है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जो एक्सटिंक्ट हो गया उसकी उसके बारे में हम बस जो जितनी चीज़ें जरूरत की होंगी उतनी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो लेटिमेरिया और सीलाकेंथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो है आपको
सिलाकेंथी फॉर्मिस जो है उसका एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये है एग्जाम्पल लेटिमेरिया और सिलाकेंथ जो कि प्रेजेंट टाइम में पाया जाता है। जो लेटिमेरिया है वो एक्चुअली में डिवोनियन पीरियड के टाइम में डोमिनेंट था। डोमिनेंट कहने का मतलब होता है कि मतलब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग अगर बात करें तो 414 से लेकर के 280 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है क्रिटेशियस पीरियड आते आते एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट होने के बाद मतलब यहीं से जो है एम्फीबिया की ओरिजिन भी स्टार्ट हुई। तो क्रोसोप्टेराइजी को जो है एम्फीबिया का एंसेस्टर भी माना जाता है बिकॉज सम कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू एम्फीबिया एंड सम कैरेक्टर आर सिमिलर टू डिप्नोई। तो इसका कुछ कैरेक्टर जो है वो एम्फीबिया से भी मिलता है, कुछ कैरेक्टर जो है उसका डिप्नोई से भी मिलता है। तो ये डिवोनियन पीरियड के टाइम पे डोमिनेंट हुआ। डिवोनियन पीरियड आज से लगभग 280 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, उस समय ये डोमिनेंट था, इसकी संख्या ज़्यादा थी। और ये क्रिटेशियस पीरियड आते आते क्या हुआ, ये एक्सटेंड कर गया, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में सिलाकेंथ का दो ही स्पीसीज है जो कि पाया जाता है, कौन कौन सा है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो रिसेंट टाइम में 1938 में सबसे पहले अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में एक आइसलैंड आता है, जिस आइसलैंड का नाम है कोमोरो आइसलैंड। क्या नाम है? कोमोरो आइसलैंड। इस आइसलैंड के पास जो है रिसेंट ईयर में कुछ क्रोसोप्टेराइजी का फॉसिल्स जो है वो पाया गया, ठीक है। तो रिसेंट ईयर 1938 में अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में एक आइसलैंड है जहाँ पे कुछ जो है क्रोसोप्टेराइजी को देखा गया, पाया गया, कुछ साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे इस पे, तो यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। ये जगह का नाम याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए। तो एक है लेटिमेरिया चालुमिनी, क्या है? लेटिमेरिया चालुमिनी जो कि वेस्ट इंडियन अशियन सिलाकेंथ है। वेस्ट इंडियन ओशियन सिलाकेंथ का मतलब ये वेस्ट इंडिया के ओशियन में पाया जाता है, वहाँ से मिला है। अब जो इसका दो नाम है लेटिमेरिया और चालुमिनी, तो मतलब एक जीनस हो गया, एक स्पीसीज हो गया। तो जीनस जो टर्म है लेटिमेरिया जो है ये नाम जो है एक साइंटिस्ट के ऑनर पे दिया गया है जिसका नाम है मिट कॉटसेनी लेटिमर, ठीक है, मिस कॉटिनी लेटिमर। तो इनके सम्मान में जो है इस क्रोसोप्टेराइजी का जो भी मिला है तो उसका नामांकन लेटिमेरिया चालुमिनी रखा गया, जिसमें से कि जो लेटिमेरिया फर्स्ट वर्ड जो रखा गया, जेनरिक नेम कह सकते हैं, जेनरिक नेम जो रखा गया ये किसके ऑनर में रखा गया, मिस कॉटिनी लेटिमर के ऑनर में रखा गया, यहीं से ये लेटिमेरिया आया है। दूसरा है स्पीसीज दैट इज द चालुमिनाई। चालुमिनाई जो है जहाँ से ऑप्टेन किया गया वहाँ से लिया गया नाम, ठीक है। यानी कि चालुमिनी रिवर है जो कि आपको साउथ अफ्रीका में एक रिवर है जिसका नाम है चालुमिनी रिवर, तो वहाँ पे ये जो है पाया गया, जो जो क्रोसोप्टेराइजी पाया गया जिसका नाम लेटिमेरिया चालुमिनी रखा गया, तो वहाँ से एक्चुअली में इसको पाया गया था। सो इसका स्पीसीज का जो नेमिंग किया गया है वो उस जगह के नाम पे रखा गया जहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया, और जेनेरिक नेम क्या रखा गया, जिसने इसको डिस्कवर किया उसके ने सम्मान में लेटिमेरिया नाम दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसके ऑनर में लेटिमेरिया का नाम दिया गया, मिस कॉटिनी लेटिमर के नाम पे। चालुमिनी क्या, तो ये आपको चालुमिनी रिवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, तो यहाँ से याद रह जाने वाला है कि चालुमिनी रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ से इस फॉसिल्स को लिया गया, ठीक है, इस क्रोसोप्टेराइजी को लिया गया, लेटिमेरिया चालुमिनी को, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ 1938 ईयर था जो कि साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच के आइसलैंड में, कोमोरो आइसलैंड में जो है उसके कुछ स्पीसीज देखने को मिले थे। नाउ इन 1952 में प्रोफेसर स्मिथ अंकल थे जिन्होंने दूसरा स्पेसिमेन सिलाकेंथ का जो है वो उनको मिला फ्रॉम मेडागास्कर, ठीक है, जो कि अंजुअन आइसलैंड के बगल में, ठीक है। मेडागास्कर कहाँ पे? नियर द आइसलैंड ऑफ अंजुअन। तो अंजुअन आइसलैंड के बगल में जो है इसको सिलाकेंथ का दूसरा स्पेसिमेन मिला। किसको मिला? प्रोफेसर स्मिथ को मिला। कब मिला? 1952 में। तो ये भी याद रखिएगा कि सेकेंड स्पेसिमेन ऑफ सिलाकेंथ जो है वो कहाँ से मिला? मेडागास्कर से मिला। और किनको मिला?
तो प्रोफेसर स्मिथ को मिला, ठीक है, कब मिला, 1952 को मिला। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 1938 में मिला था, और इसके बाद ये रिसेंट ईयर की बात हो रही है, एंड उसके बाद 38 के बाद 1952 में देखने को मिला। उसके बाद कुछ और भी इसके स्पेसिमेन जो है मिले, ठीक है, जिसमें से एक ऐसा था जो कि 2 दिन तक जो है वो अलाइव रह सका, बाकी जो कुछ मिले तो कुछ फॉसिल्स फॉर्म में मिले, कुछ डेथ कर गए, ठीक है, उसको निकालने के बाद डेथ कर गए, लेकिन उसमें से बाद में कुछ और भी स्पेसिमेन मिले, जिसमें से कि एक ऐसा स्पेसिमेन था क्रोसोप्टेराइजी का जो कि लगभग जो है कपल ऑफ डे जो है वो अलाइव रहा, जिंदा रहा। तो इसकी स्टडी जो करा था किसने किया था, मिलॉट और उसके कुछ कोवर्कर्स थे, इन्होंने साथ में मिलकर के इसकी स्टडी करी थी, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टर है, जो मॉर्फोलॉजिकल है, जो हैबिटेट है, इसके बारे में पता चला था। नेक्स्ट जो स्पीसीज है दैट इज लैटिमेरियम मीनाडोनेसिस, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा स्पीसीज था, लैटिमेरिया चालुमेनी, ठीक है। अब ये जो है ये वाला जो है लैटिमेरिया मीनाडोनेसिस जो है वो एक्चुअली में इंडोनेशियन सियलाकेन थे, जो कि इंडोनेशिया में मिला था, और इंडोनेशिया में कहाँ पे ये पाया जाता है, सुलावेशी वाटर के पास ये जो है पाया गया। अब क्रोसोप्ट ये था डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कहाँ पाया जाता है, कब पाया गया था, कब ये एक्सटेंड कर गया, और प्रेजेंट टाइम में जो है रिसेंट ईयर्स में क्या क्या चीज़ें स्पेसिमेन मिले और कहाँ से मिले और किन किन को मिले, ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोगों ने डील करा। तो यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन हो जाता है कि एक आपको फॉसिल्स एक स्पेसिमेन ऐसा मिला जो कि कपल ऑफ डे तक लाइव रहा, ठीक है, एंड दिस इज स्टडीड बाय द मिलॉट्स एंड देयर कोवर्कर्स या एसोसिएट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाता है, बाकी यह इस जितनी भी चीजें हमने लिखी है वो सारी चीजें एक्सेप्शन ही दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोसोप्टेराइजी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोसोप्टेराइजी पढ़ने के से पहले ना हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता, तो ड्रॉ करते हैं, आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है। तो मैं अभी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्रोसोप्टेराइजी का जो है ये सब क्लास है किसका, टेलियोस्टोमी का, ये तो पता ही होगा। पेयर लोब फिन्स होता है जो कि स्केल से कवर्ड होगा, कॉडल फिन्स होगा जिसमें 3 लोब प्रेजेंट होंगे, एंड इट इज हेट्रोसर्कल्स। नाउ लेट्स सी द हाउ इट इज हेट्रोसर्कल। मैं अभी डायग्राम बना रही हूँ फिश का, ठीक है, कौन से फिश का, कौन से फिश का मैं डायग्राम बना रही हूँ अभी बताएंगे, ठीक है। दिस इज द ऑपरकुलम, दिस इज द हेड पोर्शन, राइट, एंड दिस इज द टेल पोर्शन। द टेल इज हेट्रोसर्कल, ठीक है, इस तरह से लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इसमें 3 लोब होते हैं आपको यहाँ पे इस तरह का, ऐसा कुछ, 1 लोब, 2 लोब एंड 3 लोब, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1 लोब 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे ये कॉडल रीजन हो गया, कॉडल रीजन में ये लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए लोब फिन फिशेस कहते हैं। क्रोसोप्टेराइजी को क्या कहते हैं, लोब फिन फिशेस कहते हैं। तो अब ये जो है आग भी बना देते हैं, बिकॉज देखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिश गुस्सा हो जाएगा। तो ये हो गया ये ऑपरकुलम वाला रीजन। ऑपरकुलम के नीचे में होता है पैक्टोरल फिन्स, क्या होता है, इस तरीके का कुछ पैक्टोरल फिन्स होता है, देखिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैक्टोरल फिन्स होता है। पैक्टोरल फिन्स के बाद नीचे में यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेल्विक फिन्स होता है। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये फिगर आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, ये हो गया पैक्टोरल फिन्स, ठीक है, और ये क्या हो गया पैल्विक फिन्स, ठीक है। अब इसके ऊपर में यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे एक डॉर्सल फिन होता है, ठीक है, डॉर्सल फिन यहाँ होता है और एक यहाँ पे डॉर्सल फिन होता है, ठीक है। तो इसमें 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं,
यहाँ पे पेक्टोरल फिन्स होता है एंड यहाँ पे एक जो होता है पेल्विक फिन्स होता है, ठीक है। ये हो गया कॉडल फिन्स, ठीक है, ये हो गया कॉडल फिन्स। तो इस तरीके से जो होता है इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये स्केल्स हो गए जो कि यहाँ पे कॉस्मोइड स्केल्स हो गए, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है आपको लैटिमेरिया का देखने को मिलेगा। दिस इज द फिगर ऑफ लैटिमेरिया, ठीक है, लैटिमेरिया। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है मॉर्फोलॉजिकल आप देख पा रहे हैं, दिस इज द डॉर्सल फिन, ठीक है, देख पा रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए, आगे चलें। तो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैटिमेरिया। ये वाला हो गया आपको ऑपरकुलम, देखिए हमारा फिश भी स्माइल कर रहा है। तो अब इसका जो जनरल कैरेक्टर है इस पे चलते हैं, अभी हम लोग देखे थे, देखिए ये टेलेस्टोमी के सब क्लास से बिलोंग करता है, इसके ऊपर स्केल्स पाया जाता है, पेयर लोब फिन्स जो होता है उसके ऊपर भी स्केल्स प्रेजेंट होता है। काउडल फिन होता है जिसमें कि तीन लोब होते हैं, एंड जिसमें तीन लोब होते हैं उसको हेट्रोसर्कल बोलते हैं। ये वाला पोर्शन कैसा है, काउडल फिन कैसा है, हेट्रोसर्कल है, हेट्रोसर्कल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसके और भी कैरेक्टर्स पे, पेक्टोरल फिन्स होता है, पेक्टोरल फिन जो होता है वो सपोर्टेड होता है एंडोस्केलेटन से। यहाँ पे जो ये पेक्टोरल फिन्स है एंडोस्केलेटन से सपोर्टेड होगा, एंडोस्केलेटन से, ठीक है, सपोर्टेड होता है, जिसमें कि जॉइंटेड मीडियन एक्सिस होता है जो कि रेडियल होता है दोनों साइड पे, ठीक है। इसमें प्री मैक्सिला और मैक्सिला प्रेजेंट होता है, दैट इज द बोन। स्केल जो होता है इसमें इंटरनल नॉस्टिल्स प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। ब्रैंकियोस्टीजियल रेस प्रेजेंट होता है, एंड ये जो है बाद में रिप्लेस्ड हो सकता है जुगुलर प्लेट से, ठीक है। तो जुगुलर प्लेट्स इज द बोन, ठीक है। तो एक्चुअली में जो क्रोसोप्टेराइजी है वो कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है, बोनी फिश जो है, सॉरी ये जो है बोनी है, बट इसमें पूरा कम्प्लीटली तरीके से जो बोन का स्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रैंकियोस्टीजियल रे प्रेजेंट है वो जो है बाद में रिप्लेस्ड हो सकता है किससे, जुगुलर प्लेट से, ठीक है, हो जाता है। क्रोसोप्टेराइजी का दो ऑर्डर है जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एक सीलाकेंथीफॉर्मिस एंड एक ऑस्टिलियोलिपिफॉर्मिस। ये रहा ऑस्टिलियोलिपिफॉर्मिस और ये रहा सीलाकेंथीफॉर्मिस। तो इसमें ये हो गया, ये अब्सेंट होता है। ये जो ऑस्टिलियोलिपिफॉर्मिस है ये कब पाया जा रहा था, डिवोनियन के टाइम में, बट परमियन आते आते ये डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट कर गया। अब ये जो एकिनिस्टिया है दैट इज सीलाकेंथीफॉर्मिस है, दे आर नाउ प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम, एंड इसका जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है जो कि अभी पाया जाता है, एंड इसको लैटिमेरिया कहते हैं या फिर सीलाकेंथ के नाम से जानते हैं। तो अभी एक इकलौता जो है इसका जो वारिस कह सकते हैं क्रोसोप्टेराइजी का, इकलौता वारिस अभी जो है वो है लैटिमेरिया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें जो फिन्स होता है वो पेयर्ड लो फिन्स होता है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाला जो डायग्राम था ये किसका डायग्राम था, लैटिमेरिया का ही डायग्राम था, ठीक है, जो कि अभी पाया जाता है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर, इसके पास क्या होता है, पेयर्ड लो फिन्स होता है, जो कि जैसे हमारा हाथ और पैर काम कर रहा होता है वैसे ही इसका जो पेयर्ड लोब होता है वो मूवमेंट कर रहा होता है। इसमें इंट्राक्रैनियल जॉइंट्स होते हैं, एक हिंज जॉइंट्स होता है जो कि स्कल में पाया जाता है, इट इज स्कल दैट अलाउ इट टू ओपन इट्स माउथ एक्सट्रीमली वाइड टू कंज्यूम लार्ज प्रे। मतलब क्या हुआ कि मतलब बड़े बड़े शिकार को ये जो है खा लेता है, तो उसमें ये इंट्रा सर्कल जॉइंट्स जो होता है वो हेल्प करता है। तो ये माउथ को बहुत बड़ा करने में, लार्ज करने में हेल्प करता है, और ये जो जॉइंट्स होता है ये स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्कल में इस वाले पोर्सन पे जो है, जो फिश का जो ये वाला पोर्शन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि जब इसको कुछ खाना होगा, लार्ज प्रे को खाना होगा, तो माउथ को लार्ज ओपन करने में, बड़ा माउथ ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें नोटोकोड पाया जाता है, नोटोकोड प्रेजेंट होगा इसमें जो है, मतलब फिंच जो होगा
वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, और जो है ये स्विमिंग करेगा बट जो है लोकोमोशन नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि जैसे कि बॉटम ऑफ सी के अगर ये अच्छे से मतलब लोकोमोशन करे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में फिशेज जो है डूब भी जाती है फिर बाहर भी निकल जाती है, तो उस तरह का लोकोमोशन ये नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टेंटली जो है स्विम कर सकता है। ठीक है, इसमें दो पेयर फिन्स होता है, एक होता है पेक्टोरल एक होता है पैल्विक फिन्स, जो कि उसमें बोन होता है पैल्विक गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल जैसे हमारा यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल होता है, नीचे पैल्विक गर्डल होता है, तो वैसे ही जो फिश में जो आगे वाला फिन्स होता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन्स, और नीचे वाले फिन्स को बोलते हैं पैल्विक फिन्स। ठीक है, वो दोनों जो होता है एक गर्डल से अटैच्ड होता है। अब आते हैं इसकी एफिनिटीज के बारे में, तो इसकी ज़्यादा मतलब एफिनिटीज जो है अगर बात करें तो ये डिप्नोई से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, और फिर क्या है कि डिप्नोई के बाद ये एम्फीबिया से भी मिलता जुलता है। तो डिप्नोई हो गया आपको लंग्स फिश, विच कैन लिव इन वाटर एंड लैंड ऑल्सो, जो कि वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ जो है नेचर जो है क्रोसोटेराइजी का भी शो होता है कि ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी कुछ समय के लिए रह सकता है। तो ये एम्फीबियंस नेचर कह सकते हैं, ये भी शो करता है और डिप्नोई भी शो करता है। डिप्नोई इस मामले में शो करता है कि जैसा डिप्नोई में यहाँ पे डाइफेशियल कॉडल फिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल कोनस आट्रियोसस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ये क्या होता है डिप्नोई से मैच करता हुआ होता है। ठीक है, कोनस आट्रियोसस और डाइफाइसरल कॉडल फिन, ये जैसा क्रोसोट्राइजी में होगा वैसा ही डिप्नोई में भी होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो दो कैरेक्टर है वो डिप्नोई से मिलता है। और एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया जो बॉडी कवर्ड होता है स्केल से वो एम्फीबिया की तरह मिलता है। तो इस तरीके से इसकी एफिनिटीज हो जाती हैं कि ये स्केल्स जो होता है वो बॉडी जो कवर्ड होता है स्केल से वो एम्फीबिया की तरह मैच कर रहा है, और डिप्नोई से क्या का कैरेक्टर इससे मैच कर रहा है, दैट इज डायफिसरल कॉडल फिन और कॉन्ट्रेक्टाइल कोनस आट्रियोसस कर रहा है। तो इससे क्वेश्चंस जो है आपको आ सकते हैं कैसे, जैसे मैंने पढ़ाया है कि स्ट्रक्चर एफिनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोसोप्टेराइजी। तो जितना चीज मैंने पढ़ाया है इतना आप जो है आप नोट्स बना लीजिएगा, कि मैं नोट के फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड की हूँ सारी चीज़ें, आप नोट्स इजीली बना सकते हैं। इसमें कुछ आप अपने अगर कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो वो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट्स जो है आप अच्छे से बना सकते हैं। बाकी जहाँ पे भी डाउट होगा जहाँ पे भी दिक्कत होगा आप जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, अगर कहीं पे रिपीट करने की ज़रूरत है तो पूछिए। यस प्रियंका, डिप्नोई आल्सो नोन एज लंग्स फिश बिकॉज लंग्स प्रेजेंट इन दैट फिश। बताइए कुछ पूछना है या किसी चीज को रिवाइज करने की जरूरत है, दोबारा समझाने की जरूरत हो तो बताइए। ठीक है, फिर आज का क्लास बहुत कम ड्यूरेशन का क्लास हुआ है, आज का जो क्लास हुआ है वो बहुत कम ड्यूरेशन का हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास कल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सिलेबस देखते हैं कि क्या है और टॉपिक, तो फिर हम वो आप लोगों को जो है कल क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, कल क्लास होगी, नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, जुड़ जाइएगा। बाकी जहाँ भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा वो जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप लोग का उसमें भेज दीजिएगा, तो वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके।
फिर मिलते हैं कल के।